सोनी टीवी का सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक शो पेशवा बाजीराव अपनी कहानी के अंत तक आते आते काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इस शो की कहानी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पिछले एपिसोड में आए हुए लीप के बाद काफी इमोशनल सीक्वेंस ने दस्तक दी है, जहाँ पेशवा बाजीराव के युद्ध से वापस लौटने के बाद हमें पता चला कि उनके छोटे भाई चिमा जी ने अपनी पत्नी रत्मा को खो दिया है। जी हाँ, शो में हो चुकी है रत्मा की मौत, पर जाते जाते उन्होंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है, जिसे बाजीराव ने अपने पिता चिमा जी की तरह बुद्धिमान होने की नसीहत दी है। पास ही खड़े चिमा जी अपने भाव की बातें सुनकर टूट जाते हैं और उनकी आंखों से अपनी हमसफर को खोने का दुख छलक जाता है। अपना दर्द बांटने के लिए चिमा जी अपने भाव बाजीराव के गले लगकर किसी बच्चे की तरह रोने लगते हैं। पर क्या अब अपने छोटे भाई चिमा जी का दुख देखकर बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई के होने का महत्व पता चलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।